अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए तंदूरी कुलचा आटे से बनाना सिखाऊंगी। आलू का तंदूरी कुलचा, जिसके लिए मैंने ये 1 कप मैदा ले लिया है, और आटा ले लिया है। फिर मैं इसमें डालूंगी खमीर पाउडर 1/2 चम्मच है ये बाज़ार में इजीली मिल जाएगा। फिर मैं इसमें डालूंगी नमक जितना हमें इसके हिसाब से, आटे के हिसाब से। फिर इसमें 1/2 चम्मच बड़ा शक्कर डालूंगी। फिर मैं इसमें थोड़ा सा सोडा डालकर और इसको नीम गरम दूध से मैं इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लूंगी। ये हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमें इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। अब मैंने ये गूंद लिया है। फिर इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल के इसे अच्छी तरह इसे फिर से गूंदूँगी। फिर ये मैंने गूंद लिया है। अब मैंने इसे 2 घंटे के लिए इसे रेस्ट देना है किसी गर्म जगह पर। अब ये देखिए, मैंने 4 आलू उबाल कर इसका छिलका निकाल लिया है, और जिसके लिए हमें चाहिए प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें 4-5 अदद हैं, बारीक कटी हुई नींबू है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालते हैं। सबसे पहले मैंने डाला गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच। फिर हमने इसमें डाला कुटा हुआ धनिया, जीरा और सौंफ पाउडर। अब ये गया जीरा पाउडर। फिर मैं डालूंगी इसमें काली मिर्ची पाउडर। थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें आप डालते जाइए, स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डालिए। फिर हमें इसे थोड़ा मिक्स करना है। फिर इसमें डालेंगे लाल मिर्ची कुटी हुई, ये सब डाल के अच्छा एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। फिर हम इसे साइड में रखेंगे। अब देखिए, ये मेरा 2 घंटे में मेरा ये भी तैयार हो गया है आटा फूल के। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। ये मेरे इसमें 1 कप मैदे आटे में मेरे 4-5 पेड़े बन गए थे। अब बनाना हम शुरू करते हैं। एक पेड़ा लीजिए, उसको आटे में लगाकर उसकी छोटी छोटी रोटी सी बना लीजिए। अब इसके अंदर मैं देखिए इस तरीके से इसको बड़ा कीजिए, थोड़ा हाथ में आ जाए। फिर इसके अंदर एक जैसे गोल सा ये जैसे बॉल सा बनाकर इसके अंदर स्टफ करना है हमें। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता से अच्छे से कर दीजिए। इस तरीके से हमें एक पेड़ा तैयार हो जाएगा। इसी तरह हमें सब पेड़े बना के तैयार करने हैं। अब ये मैंने इसकी हाथों से ही इसे थोड़ा सा बड़ा किया। अब मैं इसको बेलूंगी। ये देखिए, आप इसे चाहे तो लंबा बेलिए, अब मैं दूसरे भी बेल के ये पेड़े सब में भर के रख लूंगी।
देखिए इसको आराम आराम से करिए। अब ये रोटी मैं बेल रही हूँ, आप इसे चाहे लंबा बनाइए या फिर गोल बनाइए, आपकी मर्जी है। फिर मैं ये इस तरीके से हमें अच्छी सी एक रोटी बेल लेनी है। अब मैं इस पर थोड़ा सा पानी लगा के इस पर कलौंजी और तिल, सफ़ेद वाले तिल और काली कलौंजी, ये इस पर छिड़क दूँगी और इसे थोड़ा सा दबा दूँगी। अब हमें इसे पलट के इसके ऊपर भी हमें पानी लगाना है हल्का हल्का सा। अब जिस साइड से मैं ये पानी लगा रही हूँ इसी साइड को हमें तवे पर डालना है। अब ये आहिस्ता से मैं इसे तवे पर डाल दूँगी। ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा सा रोटी जब फूलने लगे तो हमें इसे तवे को ही चूल्हे पे पलट देना है। ये बनकर मेरी रोटी इस पे इस तरीके से सिक जाएगी। जब कलर आने लगे तो हमें इसे उतार लेना है। ये बहुत ही बेहतरीन नान बन के तैयार हुए थे। अब आप इसे इस पे लगा दीजिए मक्खन, एक चम्मच मक्खन लगाइए और इसको किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कीजिए, या तो आप छोलों से बना खाइए, छोले बनाकर इसके साथ में, या दाल के साथ में, या ऐसे भी। इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। आप भी मेरी तरह बनाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझसे जुड़िए ताकि मेरी भी हौसला अफज़ाई हो। और इसी तरह मैंने सारे नान बना के तैयार कर लिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।